लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में एक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें सहयोगी दलों के विधायकों को भी जगह दी जा सकती है। एनडीए के सहयोगी दल सुसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने लखनऊ के बाहर के कार्यक्रम को फिलहाल रद्द कर दिया है। चर्चा ये है कि इस कैबिनेट विस्तार में ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी के नेता दारा सिंह चौहान सहित आरएलजी के एक चेहरे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा इस विस्तार में भाजपा के 1 से 2 चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें बीजेपी से दारा सिंह चौहान के अलावा 1-2 चेहरे और शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि राजभर काफी समय पहले एनडीए में शामिल हो गए थे। वो बीजेपी आलाकमान से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यूपी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर वो कई बार खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं। गुरुवार को ही उन्होंने कहा था कि जब तक मैं राजपाट नहीं ले लेता तब तक मैं होली नहीं मनाऊंगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। केंद्रीय नेतृत्व जब ओम प्रकाश राजभर को दोबारा बीजेपी के खेमे में ला रहा था तो पहली शर्त यही थी कि राजभर को तुरंत मंत्री बनाया जाएगा, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए राजी नहीं थे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री योगी से अपने संबंध ठीक करने की सलाह दी थी। यही वजह है कि 2022 चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने संबंधों को ठीक करने की जुगत में ओम प्रकाश राजभर जुट गए हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी अब इस बात के लिए तैयार हैं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।